मुंह पर मास्क और आंखों पर चश्मा, एक्टिवा पर चलते चलते लड़कियों से छेड़खानी करता युवक, एक्टिवा से मिले लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स, यह कारनामा उस साइको मनचले का है जो राजधानी भोपाल की सड़कों पर सरेआम लड़कियों से छेड़खानी करता था। युवतियों ने पकड़कर इस साइको को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इसकी गाड़ी से मिले अंडरगार्मेंट्स के बारे में भी पूछताछ कर रही है। बड़ी बात यह है कि युवक के कारनामों की भनक खुद उसके माँ बाप को तक नहीं लगी। बेटे की करतूत के कारण पिता भी शर्मसार हो गए। भोपाल के चुनाभट्टी इलाके में पुलिस ने एक साइको को गिरफ्तार किया जो युवतियों से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों को अंजाम देता था। आरोपी का तरीका इतना अजीब और खतरनाक था कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया बल्कि उससे जुड़े कई चौंका देने वाले राज भी उजागर किए। पुलिस ने आरोपी को उस वक्त पकड़ा जब वह स्कूटी पर बैठा, चेहरा मास्क और चश्मे से ढके हुए किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से महिलाओं के अंतर वस्त्र और कई अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं। आरोपी की स्कूटी पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था जिससे वह लोगों को धोखा देने में कामयाब हो रहा था। भोपाल के चुनाभट्टी क्षेत्र में एक अजीबोगरीब और गंभीर मामले ने लोगों को हैरान कर दिया। इस साइको युवक का नाम इजहार बताया जा रहा है। पिछले एक महीने से इलाके की लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था। आरोपी न केवल महिलाओं को छेड़ता था बल्कि अश्लील हरकतें कर उनके जीवन को मुश्किल बना रहा था। आरोपी जहां अपने चेहरे को मास्क और चश्मे से ढक कर वारदात को अंजाम देता था। उसने अपनी स्कूटी की नंबर प्लेट को टेप से ढक रखा था ताकि उसकी पहचान न हो सके। पुलिस ने बताया कि आरोपी कॉलोनी में अचानक आता और लड़कियों के साथ बदसलूकी करता था। युवतियों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। लगातार गश्त करते हुए जब आरोपी एक और वारदात करने पहुंचा तब पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। तलाशी के दौरान जो खुलासे हुए उन खुलासों ने सभी को चौंका दिया। पुलिस ने आरोपी की स्कूटी की तलाशी ली तो उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के अंतर्वस्त्र मिले। यह साफ नहीं हो सका कि आरोपी ने ये वस्त्र कहां से और क्यों चुराए। फिलहाल पुलिस इस बारे में गहन पूछताछ कर रही है। आरोपी ने अपनी स्कूटी पर पुलिस का स्टिकर चिपका रखा था ताकि उस पर किसी को शक ना हो। इसी चालाकी से वह अब तक पुलिस की नजरों से बचता रहा। इस घटना के बाद यशोदा विहार कॉलोनी में रहने वाले लोग डर और आक्रोश में हैं। खास तौर पर महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने में घबरा रही है। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी से कुछ राहत जरूर मिली है लेकिन लोग चाहते हैं कि इस मामले की तह तक जाकर सख्त कार्रवाई हो। चुनाभट्टी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया, वह काफी चालाकी से अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा था। बरामद सामानों की जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ के बाद मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी। पुलिस आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच कर रही है क्योंकि उसके व्यवहार में असमानताएं देखी गई है। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपी के इस तरह के और भी अपराधों में शामिल होने की संभावना है। पुलिस ने कॉलोनी के निवासियों और अन्य इलाकों के लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दे, साथ ही महिलाओं को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मैम, पकड़ाए गए आरोपी की गाड़ी से जब नंबर प्लेट निकाली गई तो जब नंबर देखा गया तो पुलिस का स्टिकर भी लगा है। हाँ जी, पुलिस का स्टिकर है। ऐसा इसकी फैमिली ने बताया कि ये पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है। बहुत क्रेज है इसको पुलिस में जाने का, पुलिस फोर्स में आने का। ये कुछ भी नहीं बतला रहा है। इवन ये इनसे जब कोई भी बात पूछी जा रही है, इवन लड़कियों के गार्मेंट्स जो इसके पास मिले उसके बारे में भी कोई सही तथ्य नहीं बतला पा रहा है। राजधानी भोपाल की यह घटना समाज में बढ़ रहे अपराधों की ओर इशारा करती है। पुलिस की तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन यह भी जरूरी है कि लोग अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या हरकत को नजरअंदाज ना करें। बहरहाल लगातार खबरों के लिए बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ। लगातार ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें।